हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं और नीट का एग्ज़ाम भी आपका यदि आपने दिया है तो बहुत अच्छा गया होगा। और अगले साल के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो रेगुलरली आप लोग वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे। हालांकि थोड़ी सी गलती मेरे ही पार्ट पर है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना करके आपको नहीं दे पा रहा हूँ, किंतु अब मैं आपसे वायदा करता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियोज़ आपको बना करके दूंगा। तो रेगुलरली आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए। एक वीडियो जो मुझे बनाना था, जो मैं नहीं बना पाया था उस समय, वो था दोस्तों केमीओस्मोसिस का। तो ये केमीओस्मोसिस क्या है, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज मेरे पास आई हैं और सभी ने ये कहा कि सर इसको जरूर समझाइए, क्योंकि इसके बिना हमारा फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है वो कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी प्रोसेस को समझेंगे कि केमीओस्मोसिस क्या है। तो ये जो केमीओस्मोसिस है, इसको समझने के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि मेरा एक वीडियो है डिफ्यूजन के ऊपर, उसको आप जरूर देखें। डिफ्यूजन क्या है दोस्तों, या ऑस्मोसिस क्या है दोस्तों, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में ये बतलाया था कि कोई भी चीज का जो पैसिव मूवमेंट है वो क्यों होता है, कोई भी चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्यों जाती है। इसके लिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। उन एग्जाम्पल्स को बहुत जल्दी से मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने एक यू शेप ट्यूब ली थी, है ना, और इसका रास्ता हमने यहाँ से बंद कर दिया, और सपोज करें कि इस साइड में हमने बहुत सारा वाटर ले लिया, ऊपर तक वाटर ले लिया, और यहां हमने वाटर केवल यहां तक लिया, वाटर का जो लेवल है वो केवल इस साइड है। दोनों साइड के हम नाम ले लेते हैं, ए साइड और बी साइड। फ्रेंड्स, यदि हम इस रास्ते को ओपन कर दें तो क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि वाटर जो है वो इस साइड से इस साइड में जाएगा। अब यहां सोचने वाली बात क्या है, यहां सोचने वाली बात यह है कि वाटर क्यों गया, है ना। आप लोग कहेंगे कि लेवल अलग था, ये था, वो था, बहुत सारी आप लोग बात करेंगे। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि वाटर बी साइड से ए साइड क्यों नहीं गया। हालांकि ये एक बहुत छोटी सी चीज है ना, क्योंकि ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में रात दिन देखते हैं इस तरह की चीजें, तो इन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, इन पर हम लोग कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यानी कि बी साइड से ए साइड पे क्यों नहीं जा रहा, ए साइड से बी साइड की ही तरफ क्यों जा रहा है और जा क्यों रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए कि कोई भी चीज इस संसार के अंदर हमेशा अपनी ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ अपने आप जाने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, फर्क क्या है कि यहां दोनों साइड पे डिफरेंस होना चाहिए। ये जो डिफरेंस है ना, ये सारे संसार में जितने भी मूवमेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कॉज है। हर चीज डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ही भाग रही है। ठीक है ना, तो ये बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आप लोग बिठा लीजिए कि जो मूवमेंट हो रहा है, जो भी पैसिव मूवमेंट है, पैसिव का मतलब जिसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, यहां पर हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, यहां हम कोई पंपिंग नहीं लगा रहे हैं, यहां कोई पंप नहीं लगा रखा है। जैसे ही रास्ता खोला पानी अपने आप जाएगा, ये जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है इसी को कहते हैं दोस्तों पैसिव मूवमेंट। ठीक है ना, तो ये जो पैसिव मूवमेंट हो रहा है ये कब तक होगा, जब तक कि ए साइड और बी साइड में जो वाटर का जो लेवल है वो इक्वल ना हो जाए। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल होने के बाद मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट कब तक था, जब तक डिफरेंस था। तो सीधी सी बात यह है कि यदि आपको दो पॉइंट्स के बीच में किसी चीज को मूव कराना है तो उस चीज का आपको वहां पर एक डिफरेंस डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों इसी डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट। ये जो ग्रेडियंट है इसका इटसेल्फ इंप्लाइड मीनिंग क्या है, डिफरेंस। ठीक है, ये ग्रेडियंट प्रेशर का भी हो सकता है, ये अमाउंट का भी हो सकता है, ये चार्ज का भी हो सकता है, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो कि चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मूवमेंट उतना ही तेजी से होगा। फ्लो ऑफ चार्ज क्या है दोस्तों, करंट कहलाता है ना, तो उस करंट को फ्लो कराने के लिए बहुत जरूरी है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको चार्ज का डिफरेंस डेवलप करना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो है वो मूव करेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में रख समझ लीजिए कि ये जो ग्रेडियंट है ना यही आपको डेवलप करना है। ओके, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं। जैसे ये एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कोई प्लास्टिक मेम्ब्रेन नहीं है जो कि इम्परमेबल हो। ओके, ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ना तो ये फ्रीली परमेबल होती हैं, ना ये इम्परमेबल होती हैं। यानी कि सेलेक्टेड आयंस जो हैं वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे होता है दोस्तों, ये हालांकि हमारा आज का टॉपिक नहीं है, पर बहुत ब्रीफली मैं आपको इस बात को समझा दूं कि ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्टिवली, यदि एक्टिवली होगा तो फिर वहां हमें एटीपी या कोई मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, किंतु यदि ये पैसिवली हो रहा है तो इसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों, डिफ्यूजन। ओके,
या हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे, जिसमें जो सब्सटेंस है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो जब भी कोई सब्सटेंस अपनी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है ना। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे गिराया, ठीक है ना, ये यहां पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को मालूम है क्या है, mgh। यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, mgh है, किंतु यहां हाइट ज्यादा है, ओके, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट कम होने की वजह से कम होगी। तब कोई चीज हायर वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ आएगी तो आपको मालूम है कि ये एनर्जी को अपने लूज करेगी, ठीक है ना। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप मेरा लेक्चर क्यों देख रहे हो, या आप मेरी इतनी देर से अपना कीमती समय निकाल करके मेरी बात क्यों सुन रहे हो। यह भी एक डिफ्यूजन हो रहा है, किस चीज का, कि देखिए नॉलेज का फ्लो हो रहा है। आपको लगता है कि सर की नॉलेज हमारे से ज्यादा है तभी आप मेरी बात को सुन रहे हो। यदि आपको ऐसा लगने लगेगा कि सर कुछ नहीं जानते, सर की नॉलेज हमारे से कम है, तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे वीडियोस को आप लोग नहीं देखोगे। तो फ्लो ऑफ नॉलेज हो रहा है ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप एक बात पक्के से दिमाग में ये बिठा लीजिए, कोई भी चीज यदि पैसिवली मूव कर रही है तो हमेशा अपनी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जाएगी, और जाते समय वो उस एनर्जी को, एक एनर्जी को लूज करेगी। अब इस एनर्जी को यदि आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, ठीक है ना, और इस एनर्जी को पकड़ के आप इससे कोई यूजफुल वर्क करा सकते हो तो करा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, जैसे बैटरी के दो टर्मिनल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, आपने दोनों से एक बल्ब लेकर के लगा दिया, जैसे ही आप वायर को टच करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहां ज्यादा है दोस्तों, नेगेटिव टर्मिनल पर, तभी तो ये नेगेटिव है, यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे सर्किट के थ्रू होते हुए अपने घर वापस आने लगेंगे। जो चार्ज का डिफरेंस है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहां इलेक्ट्रॉन कम है, तभी चार्ज का डिफरेंस है, तभी ये पॉजिटिव है तभी ये नेगेटिव है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स अपने घर वापस आएंगे तो डिफरेंस धीरे धीरे कम होने लगेगा, यानी कि बैटरी आपकी धीरे धीरे वीक होने लगेगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन से जो लूज होने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी का आप इस्तेमाल किसमें कर रहे हो, बल्ब को ग्लो कराने में। समझ में आपके आ गई होगी कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आएंगे तो एनर्जी को लूज करेंगे, वही एनर्जी आपको बल्ब की ग्लोइंग के फॉर्म में नजर आ रही है। तो कोई भी चीज जब हायर वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ आएगी तो वो एनर्जी को लूज करेगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल आप किसी फ्रूटफुल पर्पज के लिए कर सकते हो, उससे कोई आप फायदा कमा सकते हो। अब ये जितना भी कंसेप्ट अभी आप लोगों का डेवलप हुआ, जो बात मैंने आपको समझाई, ये जो डिफ्यूजन आपको समझ में आया, ये जो ग्रेडियंट आपको समझ में आया, इन सारी चीजों को अब आप केमिओस्मोसिस पे लगा दीजिए, केमिओस्मोसिस को समझने में लगा दीजिए। वही फोटोसिंथेसिस को आप रिकॉल करिए, लाइट रिएक्शन को आप रिकॉल करिए, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों केमिओस्मोसिस क्या है, इट वॉज द थ्योरी गिवन बाय पीटर मिशेल, है ना। पीटर मिशेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहली बार समझाया कि किस तरीके से ये जो एनर्जी का जो एनर्जी लूज होगी, है ना, उस एनर्जी का इस्तेमाल हम एटीपी फॉर्मेशन में कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है प्लांट्स में जो एटीपी फॉर्मेशन होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो मींस लाइट और फॉस्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी। एडीपी के साथ जब हम एक फॉस्फेट ग्रुप एड करेंगे प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो आपको मालूम है क्या बनेगा, एटीपी, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में तो आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना, उससे एटीपी बनाते हो, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाइट की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, तो वहां इसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बनती वहां पर भी एटीपी है, वहां हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो दोस्तों प्लांट्स में भी होगा और एनिमल्स में भी होगा। हमारे अंदर भी जो एटीपी बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा। किंतु प्लांट्स में दोस्तों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ही, किंतु साथ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी बनेगी, वो लाइट की वजह से बनेगी। ये जो सनलाइट आ रही है, इससे जो एनर्जी हमें मिलेगी उसका इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे, एटीपी बनाने में। तो इसलिए हम इसको नाम देंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बन रही है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी बन रही है वो है दोस्तों फोटोफॉस्फोरिलेशन। एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको हम केमिओस्मोसिस को समझने में लगाएंगे, और ये देखेंगे कि लाइट रिएक्शन के अंदर किस तरीके से एटीपी की फॉर्मेशन इस मैकेनिज्म के द्वारा हो रही है,
जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो मैं इसको अभी मिटा देता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आइए वापस से इस बात को समझते हैं। तो आप लोग रिकॉल करिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को, है ना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा थाइलेकोइड को। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकोइड्स होते हैं, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मिलकर के एक स्टैक्स बनाते हैं जिनको आप ग्रेना बोलते हो, है ना। और ग्रेना के सराउंडिंग्स में या थाइलेकोइड के सराउंडिंग्स में दोस्तों आपको मालूम है एक लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ओके, तो ये थाइलेकोइड है। एक सिंगल थाइलेकोइड को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा डायग्राम बना करके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये दोस्तों क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये एक सिंगल थाइलेकोइड है ना, ये इसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसको आप हल्का सा शेडेड भी कर सकते हो जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या चीज है। ये पूरा दोस्तों एक मेम्ब्रेन है ना। ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन का इंटीरियर है ना। थाइलेकोइड का अंदर का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड की ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन वर्ड आप लोगों को याद रखना है। और थाइलेकोइड के चारों तरफ दोस्तों क्या होगा, आप लोगों को मालूम है क्या होगा, स्ट्रोमा। मैंने यहां लिखा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि केवल यहां है, ये सारे में, ये भी स्ट्रोमा है, ये भी स्ट्रोमा है, ये भी स्ट्रोमा है, ये भी स्ट्रोमा है, यानी कि चारों तरफ थाइलेकोइड के जो मीडियम है वो क्या है दोस्तों, स्ट्रोमा है। और जो कुछ अंदर है वो है ल्यूमेन, यानी कि ये एक मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड की। ठीक है, जिसके एक तरफ ल्यूमेन है, ल्यूमेन में भी एक अंदर लिक्विड है, ठीक है, और एक बाहर लिक्विड है जिसका नाम है दोस्तों स्ट्रोमा। अब इसको आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोगों को मालूम है यहां पर क्या है, यह हमारा फोटो सिस्टम है। इस फोटो सिस्टम को हम क्या नाम देंगे दोस्तों, आप सबको मालूम है, दिस इज PS2। ठीक है, और यहां बना लेते हैं दोस्तों दूसरा फोटो सिस्टम जिसको हम नाम दे रहे हैं PS1। क्लियर, तो ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जो क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं वो आपस में अरेंज होकर के फोटो सिस्टम बनाते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो जिसमें ये सारी प्रोसेस डिटेल में, सारी जो बातें हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ये PS2 है और ये PS1 है, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब यहां पर होगा क्या, हमें केमी ऑस्मोसिस के सेंस में इस बात को समझना है कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ किसका, प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स का मतलब H+ आयंस का। H+ आयंस का दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन्स। इन प्रोटॉन्स का एक डिफरेंस डेवलप करना है। ये डेवलप कौन करेगा, ये डिफरेंस डेवलप करेगा सनलाइट की एनर्जी। ठीक है, तो पहले हमें ये डेवलप कराना है डिफरेंस, यानी कि ग्रेडियंट डेवलप कराना है। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा किसका, प्रोटॉन्स का। और जब ये डेवलप हो जाएगा तो फिर हम प्रोटॉन्स को मूव करा करके इस डिफरेंस को मिनिमाइज करेंगे, और जब ये मूवमेंट होगा तो आपको मालूम है इसमें एनर्जी निकलेगी, और उसी एनर्जी से हम लोग एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसको हम नाम देंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो चलिए आइए देखें प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट दोस्तों तीन तरीके से डेवलप होता है ना, तीन जरिए हैं जिसके द्वारा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर प्रोटॉन्स का डिफरेंस डेवलप होगा। इधर प्रोटॉन हमें कम करने, यानी कि स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स को कम करना है, और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ाना है। ऐसा कितने तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से। क्या क्या तरीके हैं, चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। फोटोसिस्टम 2 के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एसोसिएटेड है, आप लोगों को मालूम है, वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गई। ठीक है, यहां आपने ले लिया H2O, क्लियर, 2H2O ले लीजिए। ये सारी चीजें तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लाइट रिएक्शन में। यहां मेरा काम केवल इंडिकेटिव है, केवल आपको समझाना है कि किस तरीके से ये तीन काम हो रहे हैं। तो आपको मालूम है जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी तो क्या बनेगा, 2OH- प्लस 2H+। तो देखिए
पहला जो तरीका हुआ वो ये हुआ, आपने देखा ल्यूमेन के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर से एच प्लस आयन का नंबर बढ़ गया, तो ये तो पहला जरिया हो गया, इसको हम वन मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। ये OH आपस में रीअरेंज करेंगे और वापस H2O बना देंगे, हाफ आधा H2O जो है वो वापस से बन जाएगा, यानी कि यहाँ दो लिए हैं तो एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ वापस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम वन को दे दिए जाएंगे। इधर फोटोसिस्टम टू के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो दोस्तों आपको मालूम है क्या लूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले कौन पिकअप करेगा, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद कौन लेगा, प्लास्टोक्विनोन, जिसे हम PQ बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PQ है जब ये इलेक्ट्रॉन को लेता है तो ये दो तरीके से लेता है, यानी कि एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरी तरफ से एक इसको लेगा H प्लस को। यहां दो इलेक्ट्रॉन्स आप लोग ले लीजिए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपने लिए, ये दो इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस लेकर के PQ क्या बना देगा, यहां मैं रिएक्शन लिख देता हूं, PQ प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल गिव यू PQH2। क्या बना दिया इसने, PQH2, और PQH2 वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PQ में, क्या लूज करके, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, ठीक है ना। तो ये क्या बना दिया दोस्तों, PQH2, डन। अब ये PQH2 वापस क्या बना देगा दोस्तों, PQ, क्या करके, 2H प्लस यहां निकाल करके, यहां लिख लीजिए, यानी कि जो बाहर के प्रोटॉन्स थे उनको कहां भेज दिया गया, अंदर, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। बेसिकली ये जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों उसी के साथ ये प्लास्टोक्विनोन जो है ये जुड़ा हुआ है, PQ जो है उसी के साथ कपल्ड है, जुड़ा हुआ है। तो हम ओवरऑल प्रोसेस में ये कह सकते हैं कि साइटोक्रोम BF जो है ये प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से अंदर ल्यूमेन के अंदर पंप कर रहा है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ गए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए दोस्तों, प्लास्टोसाइनिन को, PC को, और PC ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए दोस्तों, फोटोसिस्टम वन को। अब लाइट जो है वो तो फोटोसिस्टम पे भी फॉल कर रही है, आपको मालूम है, आप लाइट रिएक्शन का जो वीडियो उसको देख सकते हो। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों यहां समझने वाली बात क्या है कि यहां बैठा हुआ है NADP+, ये एक कोएंजाइम है, ठीक है। ये मीडियम में से 2H+ को, मीडियम में से 2H+ को, ठीक है ना, ये 2H+ बेसिकली होंगे यही वाले जब ये बाहर आएंगे, पर अभी फिलहाल ये NADP+ जो है ये मीडियम में से प्रोटॉन्स को लेगा, यानी कि 2H+ को, एक तरफ इसने इलेक्ट्रॉन को लिया और एक तरफ इसने प्रोटॉन्स को लिया और खुद आया और बन करके क्या बना दिया, NADPH+H+। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से जो कोएंजाइम है हमारा वो रिड्यूस हो गया। तो तीन प्रोसेस क्या हुई दोस्तों, जिन्होंने मीडियम के अंदर ल्यूमेन के अंदर H+ आयन को बढ़ाया और स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन को कम किया, वो क्या है दोस्तों, उसको अच्छे से आप समझ लो। देखो पहला काम तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से H+ बना, तो इसने ल्यूमेन के अंदर H+ आयन बढ़ाया, ठीक है। दूसरा काम क्या हुआ कि स्ट्रोमा से ये जो 2H+ थे ये अंदर इंपोर्ट किए गए ल्यूमेन के अंदर, किसके द्वारा, साइटोक्रोम B6F के द्वारा, सिंपली आप BF भी बोल सकते हो, इसके द्वारा अंदर पंप किए गए। तो इसका क्या हुआ कि इसकी वजह से यहां तो प्रोटॉन कम हो गए स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में प्रोटॉन का नंबर कम हुआ और ल्यूमेन में जो H+ का नंबर था वो बढ़ गया। और तीसरा काम किसने किया, NADP+ ने, यानी कि इसने बाहर स्ट्रोमा में H+ आयन को अपने से बांध करके फ्री H+ आयन का जो नंबर था स्ट्रोमा के अंदर वो कम कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इन तीनों बातों का जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला, तीनों बातों का रिजल्ट ये हुआ कि स्ट्रोमा के अंदर H+ आयन का नंबर ड्रास्टिकली कम हुआ और ल्यूमेन के अंदर H+ आयन का नंबर ड्रास्टिकली बढ़ गया। तो दोस्तों वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि मेम्ब्रेन के दोनों तरफ H+ आयन का एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रोमा में H+ कम हो गए और ल्यूमेन के अंदर H+ ज्यादा हो गए, ठीक है ना। अब जगह यहां पर नहीं है इसीलिए मैं यहां पर बना रहा हूं, नीचे बात एक ही है, अंदर ल्यूमेन है और बाहर स्ट्रोमा है। दोस्तों यहां पर प्रेजेंट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कपलिंग फैक्टर,
इसको हम इस तरीके से शो करेंगे, ये कपलिंग फैक्टर है। ये कपलिंग फैक्टर बिल्कुल वही है जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपने F0 F1 पार्टिकल्स पढ़े थे, ऑक्सीसोम्स जो पढ़े थे, बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी होना है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है दोस्तों, एंजाइम जो एटीपी बना सकता है, जिसे हम कहते हैं एटीपीएज या एटीपी सिंथेटेज, ठीक है ना। तो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है, किंतु एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेगा और क्या बनाएगा दोस्तों, एटीपी। पर कब, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी दोस्तों, अब वो फंडा आप लोग याद करिए जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो H प्लस जो ल्यूमिन में ज्यादा है और बाहर कम है, तो एक डिफरेंस डेवलप हो गया, तो H प्लस आयन इन्हीं CF पार्टिकल के थ्रू होकर के, ये क्या है दोस्तों, CF पार्टिकल्स, ये CF0 और ये CF1, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट है दोस्तों ATPase एंजाइम। तो ये H प्लस इसी CF पार्टिकल के थ्रू होकर के ल्यूमिन में से निकल करके स्ट्रोमा में आ जाएंगे, और आपको मालूम है जब डिफरेंस मिनिमाइज होगा, जब डिफरेंस कम होगा, जब हम ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, एनर्जी लूज होगी, है ना, एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होगी। H प्लस की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, ये एनर्जी कहां जाएगी, ये एनर्जी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिल जाएगी और इससे क्या बन जाएगी दोस्तों, एटीपी। इस तरीके से दोस्तों एटीपी की फॉर्मेशन यहां पर हो रही है कपलिंग फैक्टर पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसी को दोस्तों क्या नाम देते हैं, फोटो फॉस्फोरिलेशन। H प्लस आयन का अपनी ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ जाना अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज नोन एज दोस्तों केमी ऑस्मोसिस। क्लियर हो गई बात, तो अब आपको केमी ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसको प्लीज देखते रहिए, बार बार देखिए वीडियोस को, मैं इसी तरीके से बहुत एनालिसिस करके इन डेप्थ नॉलेज वाले वीडियोस में आपको देता रहूंगा, किंतु शर्त यही है कि आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए, मुझे कमेंट जरूर करते रहिए, जहां आपको समझ में नहीं आए मैं आपके साथ हूं, आपकी तैयारी में मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन और हो सके इसीलिए दोस्तों मैंने अभी एक नया प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, वो है अनअकैडमी। दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको लर्निंग करा सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि अपने मोबाइल में जाइए प्ले स्टोर में, आप सब जानते हो एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, वहां जाकर के आप अनअकैडमी लर्नर ऐप है ना, इसको सर्च कीजिए, ये आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। पहली बार जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो आप अपने फेसबुक आईडी से या अपनी गूगल आईडी से या अपने फोन नंबर से किसी से भी आप इसको एक बार रजिस्टर करा सकते हो। इट इज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इसमें कहीं कोई आपको पैसा नहीं देना है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो आप लोग मेरी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हो, एजुकेटर्स में जाकर के आप सर्च करेंगे प्रवीण कुमार अग्रवाल, वहाँ पीके अग्रवाल सर्च मत करिएगा, वहाँ मैंने पूरे फुल नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है प्रवीण कुमार अग्रवाल। या फिर आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि बायोलॉजी बाय पीके करके भी आप सर्च कर सकते हो, या बायोलॉजी बाय पीके अग्रवाल करके भी आप सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों वहां आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, अभी शुरुआत में मैंने वहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि हमारे वीडियोज में भी अभी कवर नहीं हुई है, तो वहां मैंने इसको पहले शुरुआत किया है, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड ये आ रहा था कि सर पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी करा दीजिए, प्लांट तो आपने यहाँ पे करा दी है, तो मैंने वहां पर उसको शुरू करा दिया है। वहां साथ में मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, और एक अच्छी बात वहां पर यह भी कर रहा हूँ कि वहां MCQs बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे डिस्कस हो रहे हैं, तो MCQs पर पूरे पूरे लेसन्स तैयार किए जा रहे हैं। तो आप रेगुलरली इसको वॉच करो, मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो जरूर कर लेना, जिससे कि जैसे ही कोई लेसन आता है ना तो आपको तुरंत मिल जाएगा, उसकी तुरंत आपको मेल आ जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो तुरंत आप उसको देख सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करोगे तो मेरे को भी एनकरेजमेंट होगा, और जिससे कि मेरा भी इस चीज में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोज बनाऊँ, ठीक है दोस्तों। ये सारी प्रोसेस पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा मेन पर्पज यही है कि पूरे देश में कोने कोने में जो पर्टिकुलरली इंटीरियर्स में जो बच्चे बैठे हुए हैं और जो बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं किंतु उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, महंगे कोचिंग सेंटर्स में जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो उन तक ये सारी सुविधाएं दोस्तों अच्छे से पहुंच सके। तो आप लोग अवश्य इस काम को करिए, अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है इसको आज ही आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और मेरी प्रोफाइल को लाइक कर लीजिए और वीडियोज को देखना शुरू कर दीजिए। और वीडियोस के बारे में मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ कि वीडियोस अब आपको बहुत रेगुलरली और जल्दी जल्दी मिलेंगे, इसलिए आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, और आने वाले जितने प्री मेडिकल एग्जाम्स हैं उनमें आप लोग रॉक करोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओके, थैंक यू वेरी मच।